सबसे ही गुप्ता है सो गुप्ता आर्किटेक्चर में हम पढ़ेंगे टेम्पल्स के बारे में कि इवोल्यूशन कैसे हुआ है टेम्पल का नॉर्थ में सो so, गुप्ता जो एम्पायर था दट वॉज मेनली कॉन्सेंट्रेटेड इन द नॉर्थ तो टेम्पल का इवोल्यूशन गुप्ता एम्पायर के टाइम किस तरीके से इवॉल्व हुआ है सो विल्स रीड इन दिस चैप्टर सो फर्स्ट ऑफ ऑल है नॉर्थ में हम बोलते हैं नागरा स्टाइल ऑफ़ टेम्पल एंड नागरा स्टाइल के भी काफ़ी वेरिएशन है जैसे उड़ीसा में उड़ीसी देन चंडीला मध्य प्रदेश साइड एंड देन गुजरात साइड सो नागरा स्टाइल के हम वेरिएशन पढ़ेंगे नागरा स्टाइल जो है हमारा इवॉल्व हुआ था ड्यूरिंग द गुप्ता एम्पायर सो गुप्ता एज को कंसिडर किया जाता है एज अ गोल्डन एज ऑफ आर्क एंड आर्किटेक्चर कंसिडर एज अ गोल्डन एज ऑफ आर्क एंड आर्किटेक्चर सो विन मनी स्क्रिप्ट रिगार्डेड बिल्डिंग टेम्पल्स फॉर इपल वॉर ऑल्सो रिटिन ड्यूरिंग दिस पीरियड तो इस टाइम्स में काफ़ी मनी स्क्रिप्ट लिखी गई थी एंड विन मनी स्क्रिप्ट रिगार्डिंग द बिल्डिंग टेम्पल्स की टेम्पल कैसे मनाते हैं वो भी गुप्ता पीरियड के टाइम्स की मिली हुई हैं so इवन the manuscript रिगार्डिंग बिल्डिंग temples वर also written during दिस पीरियड and इस पीरियड को बोला जाता है एज अ गोल्डन एज ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर यहाँ पे केव्स की बात करें तो गुप्ता पीरियड के टाइम जो केव्स थी अपने क्लाइमेक्स पे पहुँच गई थी सबसे अच्छी क्वालिटी की केव्स आपको गुप्ता पीरियड में मिलेंगी द केव आर्किटेक्चर रीच इट्स क्लाइमैक्स ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड सो केव्स की बात करें तो पहले आती है अजंता केव सो so, अजंता केव कहाँ पे है औरंगाबाद महाराष्ट्र अजंता केव में देर आर ट्वेंटी नाइन केव्स ट्वेंटी नाइन केव्स है जिसमें चार चतियाज हैं ट्वेंटी फाइव बिहाराज चत्या में जहाँ पे प्रेयर हॉल्स होती हैं जहाँ पे प्रेयर करते थे बिहाराज में जहाँ पे मॉन्क रहते थे मानसून के टाइम तो चार चत्याँ ट्वेंटी फाइव वहाराज है ट्वेंटी नाइन केव्स है जिसमें चार चतिया बनाए गए फाइव वह ट्वेंटी फाइव बहाराज एंड ये प्योरली बुद्धिस्ट है तो अजंता केव में सिर्फ आपको बुद्धिस्ट मिलेंगे एंड इस तरीके से बना हुआ है यहाँ पे स्टीप साइड है एंड इस साइड है स्लोपिंग साइड सो अजंता केव्स इस तरीके से बनी हुई है तो अजंता केवस को इस साइड से बनाया गया है कि इस साइड से बनाया गया तो एक तरीके से माउंटेन है तो माउंटेन तो में आप स्टीप साइड से बना सकते हो स्लोपिंग साइड से बना सकते हो तो अजंता केवर क्रिएटेड ऑन द स्टीप साइड तो इस इस से बनाया गया अजंता केवीप साइड पे ऑफ द हिल वन कैन नोटिस टू स्टोरी केव इन अजंता तो अजंता में टू स्टोरी केव है एक यहां पर होगी एक ऊपर हो गएंता और इसको बनाया गया यहाँ पे अजंता केवस के अंदर आपको मिलेगी फ्रेसको मुराल पेंटिंग इट इज इन साइड द अजंता केव एंड इट रीच एंड इज रिलटेड टू बुद्धिज़्मेस्को मुराल पेंटिंग जंता के अंदर इट इज़ रिलेटेड टू बुद्धिम तो बुद्धिज़् के ही क्या हुआ तो बुद्धिज़म से रिलेटेड पेंटिंग मिली गई है अजंता के अंदर तो मुराल दो टाइप की होती है फ्रेस्को वाटर मुराल की बात करें तो एक होता है हमारा फ्रेस्को मुराल एक होता है डूको मुराल तो फ्रेस्को मुराल में क्या होता है वाटर सोलिबल कलर यूज़ किया जाता है ड्यूको में ऑयल पेंटिंग यूज़ की जाती है एंड दैट इज़ ऑयल दैट इज़ सॉलिबल कलर यूज़ किए जाते हैं इन द डोको मराल तो फ्रेस्को में हम यूज़ करते हैं वाटर सोलिबल कलर एंड डूको मुराल में यूज़ करते हैं ऑयल पेंटिंग सो so, मुराल क्या होता है पेंटिंग डन ऑन द वॉल ऑन अ वाइडर लेवल सो बहुत ही बड़े वॉल पे पेंटिंग करते हैं उसको बोलते हैं मुराल तो दो टाइप के मुराल होते हैं एक हमारा होता है फ्रेस्को मुराल जिसमें वाटर सोलिबल कलर यूज़ करते हैं एक होता है डोको मुराल जिसमें ऑयल पेंटिंग यूज़ करते हैं सो so, फ्रेस्को मुराल बनाते कैसे हैं काउडंग काउडंग का यूज़ करते हैं देन क्ले क्ले उसमें ऐड करते हैं राइस ऐड करते हैं तो फर्स्ट स्टेप है कि काउडंग लिया क्ले लिया राइस उसमें ऐड कर दिया फिर उसे लाइम प्लास्टर बना दिया तो so, उसका वॉल पे लाइम प्लास्टर बना लिया फिर उस पर इमेज बना दी और उसमें पेंट कर दिया तो ये थर्ड स्टेप होता है इस तरीके से फ्रेस को मुराल बनाते हैं पहले काउडंग क्ले एंड राइस मिला दिया फिर उसे लाइम प्लास्टर कर दिया दीवार पे लगा दिया और उसमें इमेज बना दिया और उस पर पेंट कर दिया सो वी विल सी टेक्निक ऑफ फ्रेस को सो इन द फर्स्ट स्टेप और मिक्सचर ऑफ क्ले काउडंग एंड राइस हर्स इज़ अप्लाइड ऑन द वॉल तो आपने क्या किया क्ले काउडंग एंड राइस हर्स का मिक्सर वॉल पर अप्लाई कर दिया सेकेंड स्टेप लाइम प्लास्टर इज डन सेकेंड स्टेप में आप लाइम प्लास्टर कर दिया एंड फाइनली द कलर इज अपलाइड एंड इमेज इज क्रिएटेड कलर इज क्या करते हैं इमेज बनाते हैं कलर उसमें अप्लाई करते हैं एंड द इनिशियल मिक्सचर नॉट ओनली द कलर बट ऑल्सो रिटेन्स द वॉटर विच इन टर्न प्रोवाइड फ्रेशनेस टू द पेंटिंग दैट्स फाई नेम इज़ फ्रेस को उसको फ्रेस बोलते हैं फ्रेश हो रहती है फ्रेश कैसे रहती है क्योंकि ये कलर को एब्जॉर्व ही नहीं करता जो पेंट जो मिक्सचर बनता है कलर को एब्जॉर्ब करता है अच्छे से और ऑल्सो वाटर को भी रिटेन करके रखता है तो वाटर को रिटेन करके रखता है तो एकदम फ्रेशनेस रहती है पेंटिंग में इसलिए बोलते हैं फ्रेस्को को एग्जाम्पल इसमें है पदम पानी दैट इज़ इमेज ऑफ़ द बुद्धा होल्डिंग लोटस तो पदम होता है लोटस तो इमेज ऑफ़ द बुद्धा होल्डिंग लोटस ये है पदम पानी सो so, यह जनता केव्स है तो हमने देखा था ये स्टीप साइड पे दो साइड्स होती है एक ये स्टीप साइड होती है एक स्लोपिंग साइड होती है स्टीप साइड्स पे बना हुआ है और दो स्टोरीज हैं एक ऊपर एक नीचे एंड ऑल्सो यहाँ पे क्या है कितने हाउसेज हैंउंड ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी नाइन केव्स है ट्वेंटी so, केव नाइन में से फोर विहारस हैं ट्वेंटी फाइव चेतियाज हैं मीन्स फोर प्रेयर हॉल्स हैं ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव मतलब रेजिडेंस प्लेस है फॉर द मॉन्ग्स तो अंदर से अजंता केव्स इज लाइक दिस सो दीज आर अजंता केव्स सो अजंता केव इन सो स्काई व्यू इस तरीके से रहता है ट्वेंटी नाइन केव्स हैं अजंता केव्स में सो दिस इज अजंता केव दैट इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो यहाँ पे औरंगाबाद महाराष्ट्र में लोकेटेड है तो केव नाइनटीन में है फिफ्थ सेंचुरी चतिया हॉल this is our fifth cave of ajanta example of fresco mur muralga so here padampani that is buddha holding a lotus So a very famous painting in ajanta so padampani that is image of the buddha holding lotus then there is a vajrapani buddha holding vajra means thunderbolt so this is padampani this is buddha holding lotus so he is that is buddha holding lotus padampani and buddha holding vajra that is बुद्धा होल्डिंग थंडर बोल्ट दट इज़ वज्र पानी सो पदम पानी दट इज इमेज ऑफ बुद्धा होल्डिंग लोटस एंड वज्रपानी बुद्धा होल्डिंग वज्र मीन्स थंडर बोल्ट तो इस तरीके से थंडर बोल्ट होता है दैट इज़ वज्र इन मैत्रिया बुद्ध ऑफ फ्यूचर को बोलते हैं मैत्रिया बुद्धा ऑफ फ्यूचर फ्यूचर में जो बुद्धा है उनका नाम होगा दैट इज है देन मंजूश्री बुद्ध ऑफ विजडम बुद्ध ऑफ विजडम को बोलते हैं मंजूश्री सो बुद्ध ऑफ फ्यूचर को बोलते हैं मैथ्रिया एंड बुद्ध ऑफ विजडम को बोलते हैं मंजूश्री देन एक एक पिक्चर है डाइंग प्रिंसेस की डाइंग प्रिंसेस एंड फ्लाइंग अपसरा सो डाइंग प्रिंसेस एंड फ्लाइंग अपसरा भी आपको अजंता के अंदर दिखेगी सो इमेज ऑफ डाइंग प्रिंसेस इन अजंता सो द इमेज ऑफ डाइंग प्रिंसेस, इन अजंता इन इमेज ऑफ फ्लाइंग अप्सरा इन अजंता सो बहुत सारी पेंटिंग है जैसे पदम पानी इमेज ऑफ द बुद्ध होल्डिंग लोटस वज्र पानी डेट इज बुद्धा होल्डिंग वज्र मीन्स थंडर वर्ल्ड सिर्फ उस तरीके से वज्र पकड़े हुए देन मैत्रिया बुद्ध फ्यूचर मंश्री बोलते हैं बुद्धा विजडम को बोलते हैं देन डाइंग एंड फ्लाइंग सो एलोरा केव अजंता केव्स में कितनी केव थी ट्वेंटी नाइन यहाँ पर एलोरा में थर्टी टू केव्स है तो वहाँ पे सिर्फ बुद्धिस्ट केव्स थी यहाँ पे सत्रह हिंदुज़म की केव्स है एलोरा में दस बुद्धिज़म केव्स है एंड पाँच जेनेजम केव्स केव्स हैं तो सत्रह हिंदुज़म दस केव्स है बुद्धिज़म की एंड पाँच जैनिज्म की है एंड जो हमारा अजंता था वो स्टीप साइड पर बना था एंड जो हमारा एलोरा है वो हमारी स्लोपिंग साइड पर बना हुआ इस तरीके से बना हुआ है तो स्लोपिंग साइड्स पर बना हुआ तो यहाँ पर कोर्ट यार्ड भी मिल जाता है कोर्ट यार्ड मीन्स जैसे ऊपर बना हुआ है तो थोड़ी जगह मिल गई आंगन जैसा जहाँ से धूप आ सकती है आपको सुखा सकते हो तो उस तरीके से कोर्ट यार्ड यहाँ पे पॉसिबल है यहाँ पर पॉसिबल नहीं है क्योंकि सीधा सीधा बनेगा तो इस तरीके से यहाँ पर कोर्ट यार्ड भी मिलेगा आपको इन केव्स में इन एलोरा केव्स अजंता केव्स में नहीं मिलेगा क्योंकि वो बना हुआ है स्टीप साइड पे इन ये बना हुआ है एलोरा केव्स इन स्लोपिंग साइड ऑफ द हिल अजंता केव्स हमने देखे थे देवर क्रिएटेड ऑन द स्टीप साइड ऑफ द हिल बट एलोरा केव्स ऑन द अदर हैंड इज़ क्रिएटेड ऑन द स्लोपिंग साइड ऑफ द हिल बिकॉज ऑफ द सेम कोर्ट बिकॉज ऑफ द सम कोर्ट यार्ड कैन बी क्रिएटेड एट अलोरा तो इसकी वजह से कोर्ट यार्ड भी क्रिएट क्रिएट हो सकता है एलोरा में बिकॉज ऑफ इट इज़ मेड ऑन द स्लोपिंग साइड ऑफ द हिल जनाव एलोरा इज़ नोन फॉर कैलाशनाथ टेम्पल विच इज़ मोनोलिथिक तो यहाँ पे कैलाशनाथ टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है एलोरा जो मोनोलिथिक है एक सिंगल स्टोन से बना हुआ है इट इज़ कंसिडर एज अ आर्कीटेक्चुरल वंडर ऑफ इंडिया तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक सिंगल स्टोन से पूरे टेम्पल को बनाया है तो so, इसलिए इसको बोला जाता है आर्किटेक्चुरल वंडर ऑफ इंडिया सो दिस इज़ एलोरा केव्स केव नंबर सिक्सटीन में हमारा कैलाशनाथ टेम्पल इट इज़ अ मोनोलिथिक केव मोनोलिथिक केव्स मे दैट इज़ कार्व्ड आउट ऑफ सिंगल स्टोन होल टेम्पल इज कार्व आउट ऑफ अंगल स्टोज अ मोनोलिथिक केव इन केव नंबर सिक्सटीन सो कितनी केवस है थर्टी फोर केव्स में केव नंबर सिक्सटीन में हमारा कैलाशनाथ टेम्पल सो यहाँ पे महाराष्ट्र में हमारा लोकेटेड है थर्टी फोर देर थर्टी टू केव्स एंड यहाँ पे लोकेशन है यहाँ पर लोकेशन है एलोरा केव्स की द लोकेशन एलोरा केव्स पार्वती एंड शिवा की इमेज है दैट इज़ डांसिंग इन अलोरा केव सो इमेज ऑफ डांसिंग शिवा यू विल फाइंड इट इन अलोरा केव सो केव नंबर सिक्सटीन में हमने देखा क्या पे यहाँ पे है कैलाशनाथ टेम्पल केव नंबर ट्वेंटी वन में है रामेश्वर टेम्पल केव नंबर फिफ्टी को बोलते हैं दश अवतार टेम्पल तो केव नंबर सिक्सटीन ये हिंदुज़म से रिलेटेड है केव नंबर ट्वेंटी दश अवतार हिंदुज़म से रिलेटेड बुद्धिस्ट केव्स की बात करें तो वन टू ट्वेल्व बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट्स से कुछ जैसे है हमारा विश्वकर्मा केव

एट कैलास्ट टेम्पल ऑफ अशोक ये ब्रह्मा को डिपे किया we'll so, है एट कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा वी हैव सीन अजंता एंड अलोरा केव्स ऑफ महाराष्ट्र नाउल टॉक अबाउट नाशिक केव ऑफ महाराष्ट्र तो यहाँ पे ट्वेंटी थ्री केव्स है ट्वेंटी थ्री केव्स ऑल बिलोंग्स टू बुद्धिज्म तो जैसे अलोरा केव्स थी वो किससे रिलेटेड थी सारे तीनों धर्म थे हिंदुजम बुद्धिज्म एंड जैनिज्म अजंता केव्स में सिर्फ बुद्धिज़म था एंड एज वेल नासिक केव्स में भी सिर्फ बुद्धिज़्म है तो so, कौन सी हिल है यहाँ पे इन त्रिंबक हिल so, यहाँ पे नासिक में त्रिंबक हिल है यहाँ पे 23 बुद्धिस्ट केव्स कार्ड आउट किए हैं इन नासिक दैट इज़ क्लोज टू नासिक जहाँ पे हमारा फर्स्ट ज्योतिर्लिंगा है नासिक में वहाँ पे त्रंबक हिल पे नासिक केव्स क्रिएट गई हैं वहाँ पे हमारा है फर्स्ट ज्योतिर्लिंगा सो so वी हैव ट्वेल्व ज्योतिर्लिंगा तो so नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं त्रिम्बकेश्वर हो गया गिरीशंकर हो गया ग्रीशेश्वर देन भीमाशंकर हो गया सोमनाथ हो गया नागेश्वर महाकालेश्वर ओमकारेश्वर देन वैद्यानाथ देन दियोगर हो गया देन काशी विश्वनाथ मल्लिकार्जुन एंड देन रामेश्वरम तमिलनाडु देन केदारनाथ उत्तराखंड तो इन सब में क्वेश्चन आ चुका है विच ऑफ द फॉलोइंग सन टेम्पल ये दो हज़ार सत्रह का क्वेश्चन है तो यहाँ पर अमरकंटक अरावली एंड ये हमारा ओंकारेश्वर तो यहाँ पर अरावली अरावली सन टेम्पल था ये अमरकंटक और ओंकारेश्वर का हमें पता है ये क्या है दीज आर ज्योतिर्लिंगा तो ये सन टेम्पल तो हो नहीं सकते तो यहाँ पे इस तरीके से डिड्यूस कर सकते हैं अगर आपको नाम पता हो ज्योतिर्लिंगा के ट्वेल्थ ज्योतिर्लिंगा की बात करें तो हमारा है एक केदारनाथ तो यहाँ पे केदारनाथ देन काशी विश्वनाथ इन वाराणसी देन वैद्यनाथ इन दिवोघर वैद्यनाथ दिओघर देन महाकालेश्वर इन उज्जैन ओम कुंवरेश्वर इन मंदाता सो इट इज़ इन मंदाता एंड देन कृष्णेश्वर इन कुलदाबाद देन नागेश्वर इन दारू कवनम देन इन सोमनाथ इन वेरावल त्रिम्बक, इन त्रिम्बकेश्वर इन त्रियंबक त्र्यंबक देन भीमाशंकर इन भीमाशंकर मल्लिकार्जुन मल्लिकार्जुन इन श्रीशलम आंध्र प्रदेश देन रामनाथ स्वामी इन रामेश्वरम वी आर हैविंग दिस ट्वेल्व ज्योतिर्लिंगास अनदर केव देखेंगे बाघ केव बाघ केव हैं इंदौर के पास सो so, यहाँ पे नाइन केव्स हैं एंड सारी केव्स इट इज रिलेटेड टू बुद्धिज़्म केव नंबर जो फोर है इट इज़ नोन फॉर रंग महल विच इज़ हैज़ ब्यूटीफुल फ्रेस को रिलेटेड टू बुद्धिज्म तो फोर नंबर केव को रंग महल बोलते हैं तो काफ़ी ब्यूटीफुल इमेजेस हैं बुद्धिज़म की फ्रेस को इमेजस हैं बुद्धिज्म की किसकी बात की जाए बाघ केव सो विल सी बाघ केव्स सो आर द बाघ केव्स इट इज इन मध्य प्रदेश सो इट इज इन द धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इट इज़ इन द साउथ वेस्टर्न मध्य प्रदेश बाघ केव्स द बाघ केव्स इन मध्य प्रदेश यहाँ पे केव नंबर फोर में रंग महल है सोज केव नंबर फोर इज़ नोन हैज़ रंग महल केव नंबर फोर को रंग महल बोलते हैं बाघ केव्स में एंड विच हेज़ ब्यूटीफुल्रेस को रिलेटेड टू बुद्धम ये केव नंबर फोर में ये पेंटिंग बनी है सो दर्ज ए ब्यूटीफुल्रेस को रिलेटेड टू बुद्धिज़्म केव नंबर फोर विच इज़ नोन रंग महल इस तरीके से स्टैचू भी मिल जाएंगे बाग केव के अंदर सो वी हैव सीन बाकी ऑफ मध्यप्रदेश में बताया जूनागढ़ केव इट इज इन गुजरात लोकेटेड इन गिरनार हिल्स अपर कोर्ट सो अपर कोर्ट को बोलते हैं बिकॉज इस तरीके से अप्रेस प्लेटफॉर्म पर बना हुआ है so पहले तो पहले यहाँ पे तो सीढ़ियाँ बनी हुई है, फिर अंदर जाके इधर केव बनी हुई है जिसको बोलते हैं अपर कोर्ट मेड अप्रेस प्लेटफॉर्म तो यह जूनागढ़ केव द केव इन जूनागढ़ क्रिएटेड इन द मिडिल ऑफ द रॉक तो रॉक के रॉक so के मिडिल में क्रिएट की गई है सीढ़िया लगा के इट इज कनेक्टेड थ्रू स्टेयर फ्राम द बेस बेस से स्टेयर्स बना के मिडिल में यहाँ पे केव क्रिएट की गई है और इसको पॉपुलरली जूनागढ़ केव को अपर कोर्ट बोलते हैं जूनागढ़ 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 अशोका के पीरियड से स्टार्ट हुई थी ये बनना एंड टू तो वन टू तो फोर सेंचुरी गुप्ता पीरियड तक कंटिन्यू रही थी जूनागढ़ बुद्धिस्ट केव तो इस तरीके केव्स है जूनागढ़ केव्स जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में ओपर कोट केव से लोकेशन है दैट इज़ ओपर कोट केव तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ जूनागढ़ बुद्धिस्ट केव ग्रुप्स सो दिस इज़ जूनागढ़ केव और ओपर कोट केव जूनागढ़ केव का इन साइड सो सीन जूनागढ़ केव सो यहाँ पे जूनागढ़ केव में आपको मोटिव मिलेंगे रिलेटेड टू बोथ बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म दोनों ही मोटि मिलेंगे जूनागढ़ के मोटिव रिलेटेड टू बुद्ध हिंदुआज़म एंड बुद्धिज़्म कैन बी सीन इन दिस केव्स नाउ नॉल टॉक अबाउट अ उदयगिरी खंडगिरी केव ऑफ उड़ीसा सो उदयगिरी खंडगिरी केव है किससे रिलेटेड है दे आर एसोसिएटेड बोथ विद हिंदुजम एंड जैनिज्म एंड मेजोरिटी ऑफ केव इज क्रिएटेड इन द रेन ऑफ जैन किंग खारवेला तो जैन किंग खारवेला थे उन्होंने क्रिएट की कर, कराई थी ये सारी केव्स ज्यादातर केव्स जैन किंग खारवेला के टाइम क्रिएट हुई है उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स की सो वन कैन सी इस क्लपचर रिलेटेड टू ओडीसी क्लासिकल डांस ऑन द वॉल्स ऑफ दिस केम मतलब ओडिसी क्लासिकल डांस भी तब प्रचलित होगा तो इनकी ओडिसी क्लासिकल डांस भी केव्स में पिक्चर बनी हुई है यू कैन सी इस क्लप्चर रिलेटेड टू ओडीसी क्लासिकल डांस एज पर हिंदुइज्म इज कंसर्न डिपिक्शन ऑफ लॉर्ड विष्णु कैन भी सीन और हिंदुइजम के आपको लॉर्ड विष्णु दिख जाएंगे तो हिंदुआजम ए जैनिज्म दोनों की चीज़ें मिलेंगी और ज़्यादातर जो केव्स जो बनी हुई है बनी हुई है जैन किन खारवेला के टाइम की और उड़ीसा क्लासिकल डांस के भी स्कल्पचर्स मिल जाएंगे केव्स के अंदर के और हिंदुज़म की बात करें तो यहाँ पे लॉर्ड विष्णु के डिपेक्शन आपको दिखेगा थोड़ी तो सी उदयगिरी खंडगिरी केव्स इनको कटका केव्स और कटक केव्स भी बोलते हैं उदयगिरी खंडगिरी केव्स को सो दे आर इन द भुवनेश्वर उड़ीसा आर नियर द सिटी ऑफ भुवनेश्वर इन उड़ीसा सो दिस इज़ उदयगिरी खंडगिरी केव एंड ये लोकेशन है उड़ीसा में उदयगिरी खंडगिरी केव्स की सो दीज आर उदयगिरी केव्स तो इस तरीके से स्टोन से काव्ड आउट किए केव्स दीज आर उदयगिरी केव्स यहाँ पे इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर है उदयगिरी केव्स। इस तरीके से वॉल्स पे स्कल्पचर्स बने हुए हैं इन उदयगिरी इन खंडगिरी केव ऑफ ओडिशा। और यहाँ पे केव नंबर फोर्टी को बोलते हैं हाथी गुम्पा एलिफेंट केव केव नंबर फोर्टी को बोलते हैं हाथी गुम्पा और एलिफेंट केव तो ये चौदहवें नंबर की केव है सो इट इज अ केव नंबर फोर्टीन इसको बोलते हैं हाथी गुम्पा और एलिफेंट केव और यहीं पे हाथी गुम्पा पे है हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन जो जेन किंग हार्वेला ने लिखवाया था हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन यहीं से मेन इंफॉर्मेशन पता चलती है इस इंस्क्रिप्शन से तो यहाँ पे हाथी गुम्पा ड्यू टू तो इज कार्विंग्स ऑफ द एलिफेंट सो तो ये हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन है तो यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ है इसी से हमें इस एम के बारे में पता चलता है खारवेला किंग के बारे में पता चलता है हाथी उदयगिरी खंडगिरी केव्स के बारे में पता चलता है बिकॉज ऑफ दिस हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन इन केव नंबर फोर्टीन जिसको बोलते हैं हाथी गुम्पा सो दीज आर द डिटेल्स ऑफ हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन तो so केव नंबर फोर्टीन को बोलते हैं हाथी गुम्पा केव नंबर ट्वेल्व को बोलते हैं दैट इज़ व्याघरा गुम्पा तो उसे बोलते हैं व्यागरा गुम्पा और बाघ गुम्पा मीन्स टाइगर गुम्पा सो केव नंबर ट्वेल्थ इस तरीके से टाइगर के शेप में बढ़िया से बोलते हैं टाइगर गुम्पा और ऐसे बोलते हैं दैट इज बाघ गुम्पा और बायोग गुम्पा दिस इज हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन इन उदयगिरी और हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन किसने लिखवाया था इट इज वॉज रिटिन बाई किंग खारवेला दैट इज़ किंग ऑफ खरिंगा कलिंगा ये कहा था सेकेंड सेंचुरी बीसी के टाइम पे तो इन्होंने हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन लिखवाया था किंग खारवेला ने एंड इसमें सत्रह लाइन है इस तरीके से सत्रह लाइन है किस में? ब्रामी, ब्रामी लेटर में ब्राह्मी ब्राह्मी लेटर्स हैं तो नंद एम्पायर ने यहाँ पे कब्जा कर लिया था उसका भी स्टेटस खारवेला ने वापस लिया था उसको भी यहाँ पे मेंशन किया गया था इंस्क्रिप्शन ऑल्सो रिफर टू दारवेलाज फीट ऑफ ब्रिंकिंग बैक द स्टेटस ऑफ अग्राजिना फर्स्ट दैट विच वॉज टेकन बाय नंद एम्पायर एंड इट फेसिस ऑफ अशोका कांपे एट धौली दैट इज सिचुएटेड अराउंड सिक्स माइल्स अवे सो पास नहीं अशोका के एडेक्स भी मिल जाएंगे दैट इज जस्ट सिक्स माइल्स अवे अशोका के है धौली सो हिंदूज्म के तो स्क्प्चर्स मिलेंगे जैसे विष्णु मिल जाएंगे वैसे जैनिज़्म के स्क्रप्चर्स मिलेंगे तो जैसे ये ऋषभ नाथ एंड अंबिका के साथ इनके पिक्चर है ऋषभ नाथ की तो जैन स्कलप्चर्स भी मिलेंगे उदयगिरी खंडगिर दिस अ कार्विंग ऑफ ऋषभ नाथ एंड अंबिका तो इस तरीके से जैन श्रीकांतर्स की भी कार्विंग मिल जाएगी सो हनुमान जी का स्क्रप्चर मिल जाएगा दैट इज इन केव नंबर ट्वेल्व सो हिंदूज्म जर्निजम से रिलेटेड है उदयगिरी एंड खंड डिगरी केव्स दिस इज़ स्टोन वर्क इन केव नंबर ट्वेल्व सो वी हैव सीन उदयगिरी इन खंडिगरी केवस ऑफ उड़ीसा एंड रिलेटेड टू बोध हिंदूजम एंड जर्निज्म सी एलिफेंटा केव्स दैट इज़ इन मुंबई जो एलिफेंटा केव्स हैं इट इज़ रिलेटेड टू बोथ हिंदूजम एंड बुद्धिजम यहाँ पर थ्री मूर्ति स्क्रप्चर्स मिलता है दट इज़ वन ऑफ द मेजर अट्रैक्शन ऑफ एलिफेंटा केव्स तो यहाँ पर त्रिमूर्ति रिप्रेजेंट करता है भैरव महेश एंड उमा भैरव महेश एंड उमा सो एलिफेंटा केव का सबसे मेजर अट्रैक्शन है दिस इज थ्री मूर्तिज स्कल्पचर्स ऑफ एलिफेंटा केव एंड एलिफेंटा केवल्सो इन एस को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सो इनको बोलते हैं एलिफेंटा केव्स या घरापुरी जिसका मतलब है सिटी ऑफ केव्स जो केव टेम्पल एलिफेंटा केव्स इ कलेक्शन ऑफ केव टेम्पल्स प्री डोट दैट इज प्री डोमिनेंटली इट इज डेडिकेटेड टू द हिंदू गॉड शिवा सो so, दिस इज त्रिमूर्ति स्कल्पचर्स ऑफ एलिफेंटा केव ये त्रिमूर्ति रिप्रेजेंट करती है भैरव महेश एंड उमा भैरव महेश एंड उमा सो भैरव महेश एंड उमा एंड वन न्यू स्टाइल ऑफ स्कल्पचर्स एडिड इन दिस पीरियड नोन है सारनाथ स्कूल ऑफ स्कल्पचर्स और एक नया स्टाइल ऑफ स्कल्पचर्स भी ऐड किया गया एंड इस पीरियड इस में इसको बोलते हैं सारनाथ स्कूल ऑफ स्क्र सारनाथ क्लप्चर से पहले विल सी एलिफेंटा केव एलिफेंटा केवस में त्रिमूर्ति क्लप्चर वेरी फेमस ये महाराष्ट्र में यहाँ मुंबई के आईलैंड से आइलैंड में यहाँ पे एलिफेंटा केव्स यहाँ पे इट इज़ मेनली रिलेटेड टू शिवा तो इस तरीके से शिवलिंग भी मिल जाएगा इन साइड द एलिफेंटा केव दैन दिस इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ एलिफेंटा केव्स तो दिस इज थ्री मूर्तीज क्लप्चर्स एंड इन दिस एलिफेंटा केव्स एंड इट इज़ फ्लैंक् बाई द्वारपालस ऑन द साइड ये पिक्चर है शिवा ब्रिंगिंग गैनजीज टू द अर्थ एंड यहाँ पे पिक्चर है एक एंड दस ए पिक्चर ऑफ शिवा भ्रिंगी गेंजिस टू द अर्थ इन एलिफेंटा केव्स द पिक्चर ऑफ अर्थ नारेश्वर सो एलिफेंटा केव दर इज अ पिक्चर ऑफ अर्थ नारेश्वर सो आधे आधे शिव भगवान आधि पार्वती सो एलिफेंटा केव्स में कल्याण सुंदरा यहाँ पर शादी दिखाई गई है शिव एन पार्वती की कल्याण सुंदरा द वेडिंग ऑफ शिव एन पार्वती शिव को दिखाया गया एज अ गॉड ऑफ योगा सोना एलिफेंट के शिव इज शोन एज गॉड ऑफ योगा शिवाज शोन एज नटराज दैट इज गॉड ऑफ डांस एज अ गॉड ऑफ योगा गॉड ऑफ डांस सो शिवा इज यू शोन एज गॉड ऑफ योगा इज गॉड ऑफ डांस शिवा एंड पार्वती ऑन माउंट कैलाश दिखाए गए दट एंड ऑल्सो रावण शेकिंग माउंट कैलाश यह भी पहली पिक्चर में शिवा एंड पार्वती दिखाई गई ऑन माउंट कैलाश एंड दिस इज अनदर पिक्चर दट रावण इन शेकिंग रावण शेखिंग माउंट कैलाश सो पिक्चर ऑफ रावणा शेकिंग माउंट कैलाश केव कॉम्प्लेक्स में आपको शिवलिंग भी दिख जाएगी सो so, शिवलिंग का इन केव कॉम्प्लेक्स, स्टोन एलिफेंट है जिसकी वजह से नाम जो है केव का एलिफेंटा पड़ा था वो अब रखा गया है ब्रिटिश उसे ले गए इंग्लैंड को ब्रिटिश चाहते थे इंग्लैंड ले जाए इस एलिफेंट को इन एटीन लेकिन यह टूट गया एंड रीअेंबल ज पीस इज ए नाउट एट इज एट जिज माता उद्यान ब्रिटिश चाहते थे ये वहाँ पे ले जाए इंग्लैंड में लेकिन ये टूट गया था तो यहाँ so, पे इट इज एट जिज माता इन उद्यान तो जज माता उद्यान कहाँ पर है ये जीजा बाई भोसले उद्यान पर से बोलते हैं बाई कोला जी और विक्टोरिया गार्डन्स तो जीजा माता के नाम पर रखा गया वॉज अ तो मदर ऑफ़ शिवाजी फर्स्ट मराठा मराठापर की माँ के नाम पर रखा गया जीजा माता उद्यान वहाँ पे अब इस एलिफेंट को रखा गया इन जीजा माता उद्यान ना वी एव सीन एलिफेंटा केवस एंड थ्रीमूर्ति क्लप्चर दटेंट बैर ऑफ महेश एंड उमा ना विल सी अबाउट इस क्लपचर्स ऑफ सारनाथ वन न्यू स्टाइल ऑफ क्लप्चर्स एडिड इन दिस पीरियड नो न सारनाथ स्कूल ऑफ क्लपचर्स एंड वॉज प्रैक्टिस बिटवीन सारनाथ नालंदा एंड राजगीर एरिया जो बिहार में जो यूपी का ईस्टर्न साइड है वहाँ पे इसको प्रैक्टिस किया जाता था सारनाथ क्लप्चर्स को सारनाथ स्कूल ऑफ स्टाइल ऑफ क्लप्चर्स को एंड दे यूज पिंक और वफ कलर सैन स्टोन ऑब्टेंट फ्रॉम द चुनार माइन्स यहाँ पे क्या थी चुनार माइंड थी वहां से इनको मिलता था पिंक ऑफ बफ कलर का सैंडस्टोन मिलता था उससे बनाते थे इट इज़ प्योरली एसोसिएटेड विद बुद्धिज़्म फॉलोइंग फ्यूचर तो सालनाथ जो स्कल्पचर्स था सारनाथ स्कूल ऑफ स्कल्पचर्स में ये उसी एरिया में था सारनाथ साइड तो यहाँ पे इट इज़ मेनली रिलेटेड टू प्योरली ये बुद्धिज़म से रिलेटेड था पूरा बुद्धिज़म से रिलेटेड था एंड यहाँ पे चुनार माइंड से कैसा सैंडस्टोन यूज़ करते थे पिंक एंड बफ कलर सैंडस्टोन स्टोन वॉज यूज एंड वॉज ऑब्टेन फ्रॉम चुनार माइन्स तो चुनार अगर देखें तो इसे प्लेस इन ईस्टर्न यूपी चुनार इज़ अ प्लेस इन ईस्टर्न यूपी इट इज़ इन द मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट तो यहाँ से हमें मिलता है सैंडस्टोन तो चुनार सैंडस्टोन एक रेड स्पॉटेड सैंडस्टोन होता है एक रेडिश और बफ कलर में होता है इट इज़ फाइनली ग्रीन एंड हार्ड सैंडस्टोन। ये मिलता है इन द चुनार इन द मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इन्हें आर्किटेक्चर में काफ़ी यूज़ होता है एंड काफ़ी नोटेबल बिल्डिंग्स एंड मोन्यूमेंट्स चुनार सैंड से यूज़ होके बने हैं जैसे पिलर्स ऑफ अशोका सेंट पॉल कैथेड्रल कोलकाता ये सब बने चुनार सैंडस्टोन से तो इस तरीके से पत्थर होता है चुनार सैंडस्टोन और इसी से बनते थे सारनाथ स्कूल ऑफ सारनाथ स्टाइल ऑफ स्कल्पचर्स सो इट वॉज प्रैक्टिस बिटवीन सारनाथ नालंदन राजगीर एंड दे यूज पिंक और बफ कलर सैंडस्टोन स्टोन फ्रॉम चुनार माइंस इट इज प्योरली एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म एंड इट इस फॉलोइंग फीचर तो सारनाथ स्टाइल ऑफ़ स्कलप्चर्स के फीचर क्या थे एक तो इट इज़ कंसिडर्ड एज अ फ्यूजन ऑफ मथुरा एंड अमरावती स्टाइल ऑफ स्कल्पचर सो नॉर्थ में मथुरा था साउथ में अमरावती उनका फ्यूजन माना जाता था सारनाथ स्टाइल को एंड वेयर आर बाय द सिंगल डोमिनेटिंग इमेज ऑफ बुद्धा इज अ कंपनीड विद पेनामिस्ट तो सिंगल इमेजेस भी थी पैनल इमेज भी थी सिंगल इमेज ऐसे मथुरा में थी पैनल इमेज से अमरावती में तो दोनों का फ्यूजन बना दिया सारनाथ में एंड ट्रांसपेरेंट ड्रैपरी इज डिपेटेड फ्रॉम द इमेज ऑफ बुद्धा विच कैन बी नोटिस्ड विद द हेल्प ऑफ फोल्ड्स इन द क्लॉथ तो सर के साथ सारनाथ स्कूल ऑफ स्कल्पचर्स में मिलेंगे यहाँ पे सिंगल इमेजेस में मिलेंगे एज वेल एज पैनल इमेजेस में मिलेंगे सो ट्रांसपेरेंस ड्रैपरी इज डिपेक्टेड फ्राम द इमेज ऑफ बुद्धना विच कैन बी नोटिस विद द हेल्प ऑफ ओल्ड इन क्लोज एंड देलो इन दारनाथ इज डेकोरेटेड एट द मार्जिन तो हेलो जो होता था सर के पीछे उसे मार्जिनस पे भी डेकोरेट करते थे इस तरीके से डेकोरेट कर देते थे सो so, इस तरीके से जो हैलो होता था सारनाथ ही सारनाथ स्कूल ऑफ स्ट्र स्लप्चर्स कहाँ से लाते थे ये चुनाव सैन स्टोन वहाँ पे इन मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इन द ईस्टर्न यूपी एंड यहाँ पे हेलो को भी डेकोरेट कर देते थे सो हेलो इन द दारनाथ वॉज डेकोरेटेड एट द मार्जिन सो so, ये ट्रांसफेरेंस ड्रैपरी ड्रे, यूज़ कर देते थे कैसे पता चला फोल्ड्स इस तरीके से फोल्ड्स दिख रहे हैं यहाँ पे फोल्ड दिख रहे हैं यहाँ पे फोल्ड दिख रहे हैं मीन्स ट्रांसफेरेंस ड्रैपरी यूज करते थे इधर फोल्ड दिख रहे हैं तो सारनाथ स्कूल ऑफ स्कलपच्चर में ना ही स्टोन बट ऑल्सो कॉपर एंड ब्रांज भी यूज़ होता था तो नॉट ओनली स्टोन बट ऑल्सो स्कल्पचर्स फ्रॉम कॉपर एंड ब्रांज वर क्रिएट इन स्टाइल फॉर एग्जाम्पल सुल्तानगंज बुद्धा कैसे बनाया है ब्रांज से बनाया कॉपर एंड ब्रांज से सो so, ये सारनाथ स्कूल ऑफ स्कल्पचर का एग्जाम्पल सो हम मथुरा में क्या करते थे सिर्फ स्कल्पचर्स बनाते थे एंड अमरावती में हम पैनल इमेज बनाते थे एंड सारनाथ में क्या करें दोनों को जोड़ दिया है स्कल्पचर्स भी बना दिया पैनल भी क्रिएट कर दिया सो विल सी सुल्तानगंज बुद्धा जैसे एरा पीरियड के सुलगुप्ता तो पीरियड में बनाया था एंड इज़ इन द सुल्तानगंज ये मिला था सुल्तानगंज इन बगलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार फिर मेटल से बना इसको है इसको ब्रिटिशर चुरा के ले गए नाउ इट इज़ इन द ब्रिगम ब्रिहंगम म्यूज़ियम इन ब्रिटेन तो बिरमिंगम म्यूजियम म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी में इसको रखा गया सुल्तानगंज बुढ़ा को तो यहाँ पे यूके में है बिरमिंगम तो यहाँ पे सुल्तानगंज बुढ़ा को चुरा के ले गए एंड यहाँ पे म्यूजियम में रख दिया है सुल्तानगंज बुद्धा जो तो जो ब्रिटेन में इट इज़ ऑलसो पार्ट ऑफ सारनाथ स्कूल ऑफ स्क्रप्चर दैट मीज मेड फॉर मेटल तो यहाँ पे स्टोन एज वेल एज मेटल भी यूज होता था जैसे कॉपर एंड ब्रांच